नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की हम बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें क्या है कि जो ब्लैंक्स है उन्हें फिल करना है ताकि हमारी जो स्टेटमेंट हो जाए वो हो जाए ट्रू, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां जो ये क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें सारी प्रॉपर्टी का यूज है, इसमें सारी प्रॉपर्टी यानी कि तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई है उन तीनों का यूज है इस क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, माइनस फाइव प्लस माइनस एट इज इक्वल्स टू माइनस एट प्लस ब्रैकेट और फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहां पे प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, और ये क्वेश्चन जो दिया है ना फोर, ये बेसिकली उन्हीं प्रॉपर्टीज को उन्हीं की क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया पूरा। तो इसमें क्या है कि ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कोई एक ऐसा नंबर पुटअप करना है जिससे कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए, मीन्स कि मेरा एलएचएस भी ट्रू हो जाए और मेरा आरएचएस भी ट्रू हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी याद करिए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी दो इंटीजर में अगर प्लस करूंगा और उनका जो है ऑर्डर अगर मैं चेंज कर दूंगा तो मेरा सम सेम आएगा, मेरा एडिशन सेम आएगा, यही पहली प्रॉपर्टी है, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो देखिए कि यहाँ पे माइनस फाइव प्लस माइनस एट, तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि जो एट का जो प्लेस था, माइनस एट का प्लेस था, जो माइनस एट का ऑर्डर था वो चेंज हो गया है, माइनस एट का ऑर्डर चेंज हो गया है। मैं कह सकता हूं इसे ए प्लस बी कह सकता हूं, और मैं इसे बी प्लस ए कह सकता हूं ना, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि आप ऑर्डर अगर चेंज कर लेते हैं दो इंटीजर्स का तो उसके एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मैंने ए प्लस बी इसे करा और बी प्लस ए इसे कर लिया। सो जब यहाँ पे माइनस फाइव प्लस माइनस एट, तो ए की वैल्यू है माइनस फाइव, बी की वैल्यू है माइनस एट, ए की वैल्यू है माइनस फाइव, बी की वैल्यू माइनस एट। सो बी की वैल्यू तो यहाँ पुट अप है पहले से, बी की वैल्यू तो माइनस एट पुट अप है, प्लस का प्लस रहेगा, ए की वैल्यू माइनस फाइव, वेरी गुड। सो फिल इन द ब्लैंक्स में माइनस फाइव यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से समझिए, बहुत बारीकी चीज है, फिर से समझिए, माइनस फाइव प्लस माइनस एट दिया हुआ था और राइट हैंड पे दिया हुआ था माइनस एट प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या होता है कि कोई भी दो ऐसे इंटीजर हम अगर प्लस कर लेंगे तो और उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, अगर उनका ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो उनके सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे पहले ऑर्डर में a प्लस बी है, तो सेकंड ऑर्डर में क्या कर दिया, b प्लस a, तो a की वैल्यू माइनस फाइव दी हुई है, b की वैल्यू माइनस एट दी हुई है, ऐसे यहाँ पे b की वैल्यू माइनस एट, सो a की वैल्यू इज माइनस फाइव। तो ये ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑर्डर चेंज हुआ है, बट देखे ऑर्डर चेंज तो हो गया। अब बोलोगे सर कि एडिशन तो करके दिखाया नहीं, हो सकता है कि एडिशन उनका सेम ना आ रहा हो, तो देख लेते हैं एडिशन भी कर लेते हैं। सो माइनस फाइव प्लस माइनस एट, और इधर माइनस एट प्लस माइनस फाइव। सो माइनस प्लस एट प्लस फाइव थर्टीन, एट प्लस फाइव थर्टीन, और साइन माइनस का सेम, माइनस प्लस एट प्लस फाइव थर्टीन और साइन माइनस का। तो देखिए फ्रेंड कि आंसर सेम आया दोनों का, ऑर्डर चेंज हो गए थे दोनों के, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो बताया मैंने आपको, है ना। सो आंसर सेम, एलएचएस बराबर आरएचएस।
ठीक है ना। प्रॉपर्टी समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए बी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, नोट डाउन कर ले। चलिए चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ ले एक बार, और वो आप खुद करेंगे मेरे लिए, वो आप खुद करेंगे, मैं कर दूंगा बट आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा टाइम रुकूंगा और आप खुद करेंगे और देखेंगे कि दोनों के आंसर जो है सेम आ रहा है नहीं, यानी कि मेरा और आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो बोला है -53 में क्या ऐसा ऐड करूं कि आंसर -53 आ जाए, -53 में क्या ऐसा ऐड करूं कि आंसर मेरा -53 ही आ जाए। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी को याद करिए, उनका यूज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। आप क्या होगा इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, मैंने जो आपको पढ़ाई है अगर आपने वो पढ़ी है, वो क्लास देखी है तो उसका रिवीजन करा होगा आपने, ऑब्वियस सी बात है। सो देखिए और देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ पे। ओके आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। सो -53 प्लस ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर -53 ही आ जाए। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एडिटिव इनवर्स। आप भूल रहे हो, भूल रहे हो। सो एडिटिव इनवर्स भी एक प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है कि आप किसी भी इंटीजर में अगर एक जीरो ऐड कर देंगे, आप किसी भी इंटीजर में एक जीरो ऐड कर देंगे तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीजर में कोई भी, किसी भी इंटीजर में आप अगर जीरो ऐड कर देंगे ना तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, दिस जीरो इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। सो -53 प्लस लिखना ब्लैंक्स पे आ गया जीरो, आंसर मेरा रह गया -53। सो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जीरो। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जीरो। ओके चलिए अगेन एक क्वेश्चन और मिल गया है आपके लिए जो मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 ये आपका होमवर्क है और आपको करना ही है, आप होमवर्क से नहीं बच सकते मेरी क्लास में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो है आपका होमवर्क हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 को मैं आपको कराऊंगा, पार्ट 4 मैं ही कराने वाला हूं आपको। क्या कह रहा है, +13 प्लस -12 ब्रैकेट प्लस डैश, और मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं, थोड़ा आ नहीं पाएगा पूरे में, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 क्या बोल रहा है, 13 प्लस -12 ब्रैकेट क्लोज प्लस कोई एक नंबर जो बराबर होना चाहिए 13 प्लस -12 प्लस -7। यह है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 का क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है आपके लिए। क्या है, 13 प्लस -12 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स किसके बराबर होगा कि 13 प्लस -12 प्लस -7, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी प्रॉपर्टी है तो क्या आप बता पाएंगे, आप बिल्कुल बता पाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है और उसी के बेस से हम करने वाले हैं। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले एक बार उस पर नजर मार लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी किसके बराबर होने वाला है,
ए प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट बी प्लस ब्रैकेट सी के बराबर होने वाला है। यही होती है, यही होती है कि ब्रैकेट ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस ब्रैकेट सी। यानी कि आप ग्रुपिंग कर लेंगे किन्हीं भी दो टर्म की और उनका ऑर्डर भी चेंज अगर कर देंगे तो उनके सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो ए इज 13, बी इज -12 और सी जो है सिलेंडर बैलेंस कर दी। सेम एज ए इज 13, बी इज -12 और सी इज -12। तो पहले देखिएगा कि ए और बी की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ए और बी की राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है या नहीं। पहले आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी और कंफर्म करना पड़ेगा कि सेम है या नहीं। इन केस अगर सेम नहीं है तो वहां इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं हो रहा है, वहां इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं हो रहा है ना। सो हम इधर देखेंगे कि ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू -12 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ए की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू -12 है। सो क्या कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही यूज होने वाली है। सो सी की वैल्यू दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, सी की वैल्यू दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो सी की वैल्यू इधर क्या है -7, सो इसमें क्या हो जाएगी -7। सो सिलेंडर ब्लैंक्स पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -7, ठीक है ना। इन दोनों के एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। तो चलो पहले एडिशन कर लेते हैं फिर देखते हैं। 13 प्लस माइनस -12 और अगेन प्लस माइनस -7। राइट हैंड साइड पे 13 प्लस प्लस माइनस माइनस, पहले ब्रैकेट ओपन होगा उसके बाद परफॉर्म होगा, उसके बाद यानी कि प्लस ब्रैकेट बड़ा वाला ओपन करेंगे सो -12 और -7। चलते हैं आगे फिर से, इधर भी ऐसे ही होगा कि पहले ये ब्रैकेट में रहेगा, पहले बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन होगा ना, है ना, फिर परफॉर्म होगा कोई भी ऑपरेशन, पहले ब्रैकेट ओपन होता है ना। तो मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करा 13 प्लस -12 प्लस -7। अब आगे बढ़ते हैं, 13 प्लस माइनस -12 प्लस माइनस -7 किसके बराबर हो जाएगा, 13 प्लस माइनस -12 प्लस माइनस -7, ठीक है। सो 13 माइनस 12 इज 1, किसका किसका, प्लस का 1 माइनस का 7, इधर भी 13 माइनस 12 इज 1 प्लस का और -7। सो 1 माइनस 7 इज, या पहले प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 1 इज 6, किसका माइनस का और इधर भी माइनस का। सो एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के। सही है, गलत नहीं होना मैं कहीं। सो दोनों केस में, LHS में भी और RHS में भी आंसर कैसे हो गए, -6 और -6, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि ऊपर आप देखोगे क्वेश्चन में कि ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर चेंज कैसे है कि पहले इन दो नंबर का ग्रुप किया गया था A और B का, और राइट हैंड साइड में B और C को ग्रुप किया गया है, तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हुआ है बट आंसर हमारा क्या रहा है, सेम रहा है। इसी चीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 हम कर चुके हैं। ओके, एक और होमवर्क आपके लिए, एक और होमवर्क आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 आपका होमवर्क है। नोट डाउन कर ले पहले इसे और फिर मैं होमवर्क को थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। आई होप आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 को होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 होमवर्क है, ठीक है ना। ये होमवर्क चाहिए मुझे, आप होमवर्क करें, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे मुझे, और जिसका आंसर सही रहेगा उसका जो नाम है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने बोर्ड पे लिखूंगा,
उसका नाम जो है उस स्टूडेंट का नाम मैं अपने बोर्ड पे लिखूंगा ताकि औरों को पता चले कि हाँ भाई ये स्टूडेंट जो है होमवर्क करते हैं और सही होमवर्क करते हैं। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन आप करेंगे मेरे लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इंटीजर का एक्सरसाइज 1.2 आज हम क्लियर कर चुके हैं। 1.2 एक्सरसाइज जो था पूरा बेस था जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है इंटीजर्स की उन्हीं पे बेस था, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करे हैं, उनसे रिलेटेड ही मैंने आपको होमवर्क दिया है और होमवर्क मुझे चाहिए हर हाल में चाहिए। ठीक है ना, ओके। सो इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या है ना, आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो उससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। और इन्हीं अच्छी वीडियो के लिए, इन्हीं मैथ्स रिलेटेड इन्हीं वीडियो के लिए आपको इसी चैनल पे बना रहना पड़ेगा। चैनल का नाम है मैथ विद अज़ीम। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन पर जो है आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलने से होगा क्या कि आपको वीडियो को फाइंड करने में बहुत कम डिफिकल्टी आएगी। ओके, और दिस इज द एंड ऑफ द इंटीजर एक्सरसाइज 1.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।